नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक अवश्य करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो बाजू में घंटी है ना, इसको थोड़ा दबा देना। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं संदीप सिंह जी कि जो कॉइल होती है ना, चाहे वो रिले की कॉइल हो, कॉन्टेक्टर की कॉइल हो, अधिकतर हमको लोको में क्या है कि कॉन्टेक्टर के कॉइल टर्मिनल निकालने की बात कही जाती है। जरूरत पड़े तो रिले का भी निकालना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कॉइल टर्मिनल जब कॉन्टेक्टर की नहीं, चाहे वो यहाँ पे लगा हो, टीके पैनल पर लगा हो, या फिर एचटी कंपार्टमेंट में लगा हो कॉन्टेक्टर, तो उसकी टर्मिनल निकालना पड़ता है हमको। तो कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि कौन सा टर्मिनल निकालें, कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, इस वीडियो में सब बातें करता हूं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, हमारे साथी संदीप सिंह जी पूछ रहे हैं कि कभी भी कॉइल का टर्मिनल निकालना हो, अधिकतर कॉन्टेक्टर की कॉइल का ही टर्मिनल हम निकालते हैं, चाहे वो एचटी कंपार्टमेंट हो, चाहे वो टीके पैनल हो, तो वो पूछ रहे हैं टर्मिनल कौन सा निकाले, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा टर्मिनल निकाले। तो टर्मिनल हमेशा जब भी निकाला जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल ही निकाला जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब किसी किसी में क्या हुआ, एक एक वायर लगा हुआ है, एक कॉइल के इस साइड, एक कॉइल के उस साइड, पॉजिटिव कौन सा मालूम ही नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, हमेशा जो है दो तार जहाँ लगे होते हैं वो नेगेटिव तार है, तो दो तार जहाँ लगे होते हैं उसको नहीं निकालना है। हमेशा अकेला सिंगल तार जहाँ ज्वाइंट होता है वो पॉजिटिव तार होता है, उसी को निकाल के टेप कर देना है, और टेप करने के बाद में वहाँ पॉजिटिव सप्लाई नहीं जाएगी, वो कॉन्टेक्टर काम नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर उसको आपको वेज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये दो टर्मिनल वाला क्या लफड़ा है, तो देखो अपने घरों में भी जो वायरिंग होती है ना, तो कहीं कहीं दो वायर को ज्वाइंट करके एक साथ लगाते हैं, आप सॉकेट भी खोल के देखना, वहाँ से नेगेटिव सप्लाई को न्यूट्रल को और कहीं ले जाया जा रहा है। ऐसे ही लोगों में भी न्यूट्रल को कहीं दूसरी जगह और ले जाते हैं, तो वहां से तार ज्वाइंट करके ले जाते हैं, इसलिए उसको कभी नहीं निकालना। उसको निकाल दिया तो पूरे लोकोमोटिव में फेलियर पैदा हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल मिलेगा ही नहीं तो लोको काम करेगा ही नहीं। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को ही निकालना है, और वो जो अकेला होता है पॉजिटिव टर्मिनल वही होता है, उसको ही निकालना है, दो तार हो तो वो नहीं निकालना है। धन्यवाद।